वेलकम बैक सज्जन, ये बताएं आपको क्या अंदाजा था आज शो पे आते हुए कि आपकी शॉल जो है वो ये पहन कर आए होंगे? अच्छा तुम ना तो कह रहे हैं कि मेरी फर्स्ट कजन आ रही है। अच्छा मतलब ये आपने बड़ी जबरदस्त जो आज आपने शॉल पहनी हुई है, ये आपने कहां से ली? ये जी ऑनलाइन मंगवाई मैंने, ऑनलाइन किसी बंदे ने सदका किया जी। दुश्मन ने एक पास कुहाड़ी मारी, लेकिन मैं आज खुश हूँ। क्यों? आज मैंने कुछ और सोचा है, सज्जल जी आई है तो मैं पूछना चाह रहा था कि आपकी काफी ज्यादा दोस्त होंगी जिनकी शादी नहीं हुई जी, तो मेरे घर वाले भी तंग करते हैं कि अब 24 साल के हो गए शादी कर लो। मेरी सारी दोस्तों की शादी दिसंबर में होगी। होगी है, ठीक है जी, उन्हां दी कोई फूफो दी कुड़ी होवे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता आप ढूंढे, वो लड़की मैं आपकी डिमांड बता दूँ। रिक्वायरमेंट्स बताएं ना आप। प्यारी हो, खूबसूरत हो, लंबा कद हो, मसलन खुलो के भी पखा साफ कर ले, पैसे पूसे की कोई टेंशन नहीं है, शोबिज में भी हो या कहीं भी हो चल जाएगी। अगर आपने उसका जुगते लगानी शुरू कर दी। मैं नहीं, आपको है कोई ऐसी आपकी नजर में? बस देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी चॉइस है सर। आपको मैं बताता रहता हूँ, तो फर्ज करें आपको इस तरह की कोई जरूरत पड़ जाए कि आपको कैसा लड़का पसंद होगा? प्यारा हो, अच्छा हो, और अगेन वही बात, कंजूस ना हो। कंजूस ना हो? हाँ, कंजूस ना। अच्छा, क्योंकि जितना वो दौर चल रहा है जिस तरह का कंजूसी वाले के बंदे साथ गुजारा नहीं है। वो तो अब हालात ही सब लोगों ने मिल मिला के ऐसे कर दिए कि अब आम बंदा थोड़ा सा भी पैसा की तरफ से हाथ खींचता कंजूस नजर आता है। हाँ, लेकिन कंजूस कितने पैसे वाला हो, बस अच्छा खा पी सके, पहन सके। हाँ देखो हम माशाल्लाह इंज खांदे नहीं, जब जेल में छोड़ के आए। खाना पीना तो सब नहीं है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन होता ना कि कितना बिजनेसमैन और कितने पैसे हो ताकि आप खुश रह सकें। कंजूस ना हो, बस यही है। कंजूस पे आपका बहुत जोर है, कंजूस ना हो, क्योंकि लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते जो कंजूसियां करते। आप किसको कंसीडर करती हैं कंजूस वैसे? मैं कंजूस इसको कंसीडर करते हैं कि जैसे अब देखे कि खाना खाने बैठे हैं दो लोग, ठीक है, मैं या लाइक कोई लड़का इस तरह से, तो वो कहे कि नहीं नहीं अमेरिकन सिस्टम करते हैं और आधे पैसे तुम दो आधे। सर होंगे ना बड़े सर। वैसे हस्बैंड वाइफ में भी ये अमेरिकन सिस्टम चलता, दोस्तों में तो सुना है हमने। दोस्तों अभी शादी नहीं हुई तो फिर कैसे कहूंगे? शादी के लिए पूछ रहे हैं ना, अगर तो शादी में होना चाहिए लड़का जो कंजूस ना हो, बेसिकली। और वो कंजूस इतने पैसे खर्चता हो कि कितने अफसोस से भी गया हो तो उठे भी वेलंग करा रहे हो। कंजूसी का ऑपोजिट तो यही होगा, मगर इन्होंने बहुत बेसिक लेवल की बताई कि ये तो एक आम एक मुझे कोई और लेवल याद थी आ रही होती है कि इसके अंदर आप अगर कहते हैं कि जी बिल मैं देता हूं कि कितना को बिल होगा जो दो बंदे खा लेंगे, अगर यही आपकी डिमांड है तो इस पे तो मैं पूरा उतरता हूं। मैं कंजूस नहीं, ठहरो पहले दिखने का पूछो ना, कुछ दिखने में अच्छा दिखने या में प्यारा हो, हैंडसम हो। कितना अब ये प्यारा और हैंडसम क्या होता है ये बता दीजिए। बस मतलब कि मेरे से बहुत ज्यादा प्यारा ना हो, मेरे जैसे। अच्छा जी, वो तो बहुत दूर है आपसे तो। इस डिपार्टमेंट में तो आप बेफिक्र हो जाएं। अगर तुम मेकअप ना करो मम्मी तो वाटेवर गई हो जाना है। आप बहुत पीछे हैं। अच्छा, तो आपने कहा प्यारा आपके मुकाबले में तो नहीं है, ठीक है, और तीसरा क्या बताया था आपने? बस सिर्फ प्यारा आपसे ज्यादा ना हो और कंजूस ना हो। मगर नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये तो बहुत माशाल्लाह इस मामले में तो कंजूस बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम अपना आईफोन जो है वो छतों के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब इस किस्म की दरिया दिली दिखाते हैं। आपकी दोनों डिमांड जो है ना वो बहुत जबरदस्त पूरी हो रही है, ना कंजूस है और ना प्यारा है। मावां नूं ते पुत्र प्यारे लगदे ने। बिल्कुल आप सही कहते हो बेटा, माँ को तो अपना सारे बच्चे प्यारे लगते हैं और मुझे तो सारे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आपके हस्बैंड जो हैं उनकी कितनी सपोर्ट रही है आपके यहाँ तक पहुँचने के अंदर? क्योंकि यूजुअली इट्स ऑलवेज द फीमेल पॉलिटिशियन, अनलेस एंड अंटिल उनके हस्बैंड भी पॉलिटिशियन हो तो वो कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाते हैं, वरना एक खातून नजर आती है और फिर पीछे उसके हमें पता नहीं होता कि कौन है, फैमिली कौन है, साहब कौन रहे, तो उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है? मेरा ख्याल है मैं उनको जितना क्रेडिट दूं कम है, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई थी जब मैं FSC में थी, तो ना सिर्फ उन बेचारों ने बेचारगी की मैंने इसलिए बात की मैं देखें पूरी पढ़ाई मेरी, मैं डॉक्टर बनी, डॉक्टर बनने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी अपनी सियासी, क्योंकि मेरे ससुर जो थे वो आपको पता है बहुत पुराने सियासतदान, अपना हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर भी रहे, वो मुझे बहुत मेंटर करते थे, तो मैं शुरू से मुझे स्टूडेंट्स यूनियन में और आपको पता है इंटरेस्ट था तो बहुत इनकरेज किया करते थे।
तो अच्छी बात ही है मेरे मियाँ की कि वो कभी मुझे किसी चीज़ से डिस्करेज नहीं करते थे। ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ ऑल्सो। हमारी मुलाकात हुई जब मैं भी टेबल टेनिस पाकिस्तान के लिए खेल रही थी, वो भी खेल रहे थे। ही वॉज अ वेरी गुड स्विमर। उसके मतलब ये कि लोगों का ख्याल होता है कि पता नहीं कौन था। उन्होंने लॉ किया लेटर ऑन, ही वॉज इन स्टेट स्विमिंग कॉरपोरेशन और वहाँ वो मैनेजर मार्केटिंग थे। लेकिन ये कि सपोर्टिव इतने ज़्यादा थे कि कभी किसी चीज़ से उन्होंने रोका नहीं था मुझे। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी ख्वाहिश है, क्योंकि जब शादी मेरी हो रही थी तो मेरे वालिद साहब ने मेरे ससुर को कहा कि जी इसे पढ़ने का बहुत शौक है, वालदा मेरी डॉक्टर थी, ये डॉक्टर बनना चाहती है। तो अब्बा जी ने कहा था कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जहाँ तक ये पढ़ना चाहेगी इसको पढ़ने देंगे हम, और आप तसल्ली रखें। लोभदार किस्म के वालिद थे तो उन्होंने कहा ये भी नहीं बोलेगा, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। अच्छा, भी नहीं बोलेगा। अभी कभी तुम अपने खामन दे परस तो चोरी पैसे गड्ढे ने? मैं स्कूटी थी तो फिर उन्हीं से मांगा करती थी मैं, दे पैसे मुझे, मैंने जो। लेकिन ये है कि उनके बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और थी मैं ऐसी मतलब लड़ाका। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको सुनाती हूँ। मैं उस जमाने में रजिस्ट्रार थी, सीनियर रजिस्ट्रार थी, यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही थी। तो कॉल आ गई रात को, तो मैंने फ़ोन जब सुना, रात के 2:30 बजे हुए थे, तो मैंने कहा कि मैंने तैयारी करनी शुरू की। मैं अपने कपड़े पहन के तो जूते पहन रही थी, तो बड़ी सख्त शदीद सर्दियों के दिन थे। रजाई मुँह निकाल के कहा कि बाहर निकलेंगी तो जो दरवाज़ा है ना एदा लॉक कर जावी। मैं कहा ठीक है। अभी मैं दूसरा जूता पहने लगे तो कहते हैं वो थले जाने और गेट छोटा वाला जो वो भी पेड़ के जावी। जब तीसरी दफा उन्होंने कहा तो वो वड्डा गेट खुला छड़ जानी है वो भी बंद कर जाएंगे। मुझे गुस्सा चढ़ा। मैं कहा अद्धी रात को मैं जा रही हूँ, 2:30 बजे का टाइम है, मैं जा रही हूँ, तुहानू अपनी किन्नी फिक्र पई है सारे बूहे बंद कर जा। मैं कहा तुहानू मेरी फिक्र नहीं कि मैं कि मैनू को फड़ के लै जा। उन्हें रजाई जो पूरा मुँह कट के मेरे वाल वेख के कहता है तू फिक्र ना कर वापस छड़ जान के। He has been okay with ये जो सारा पॉलिटिक्स जो आप आई। नॉट ओनली he's been वेरी सपोर्टिव, नॉट ओनली हिम, उनकी सारी फैमिली। अभी मैं इलेक्शन जो 3 दफा लड़ी हूँ तो सारा खानदान जो है वो मेरे साथ आके खड़ा हो जाता है। एवरी बडी पुट्स इन देयर बिट। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मतलब राशिद इतने कंसर्न हर चीज में होते हैं। नेचुरली दे बिलोंग टू पोलिटिकल फैमिली, तो उनका पोलिटिकल एक्सपीरियंस तो है सारा। अब जैसे वो हमारे जो बनते हैं लास्ट डे के जो पेपर सारे तैयार होते वो सारे वो खुद तैयार करवा करते हैं और सब कुछ करते हैं। बहुत सपोर्टिव है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि कोई भी खातून जो प्रोग्रेस करती है उसके पीछे जब तक एक सपोर्टिव खाविंद ना हो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। वरना तो घर में नाचाकी हो जाए, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 52 साल हो गए माशाल्लाह। अब इस अरसे के अंदर जिस तरह की उन्होंने मुझे सपोर्ट दी, जहाँ भी मैं पहुँची हूँ उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ।